हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो मैं बात करूँगा कि मेरे पास एक कमेंट आया है कई बार, और उस कमेंट के अंदर यही सवाल पूछता है कि भाई, अगर गाड़ी का जो प्रेशर है वो 6 या 12 अगर नहीं होगा तो गाड़ी पीछे की तरफ चलेगी या नहीं चलेगी। तो सिंपल सी बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो है 6 का प्रेशर तो होना ही चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा आगे करो या फिर इसको पूरा चलाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर तो उसमें 6 से ऊपर ही होना चाहिए जब भी गाड़ी को चलाते हैं, चाहे रिवर्स कर रहे हो या फिर आगे की तरफ चला रहे हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जीवन में, क्योंकि अगर गाड़ी का प्रेशर ही पूरा नहीं होगा तो गाड़ी की अगर बाय द वे गाड़ी चल भी जाती है तो उसमें एक ख़तरा आपके सामने आएगा कि जो प्रेशर मान लीजिए थोड़ा सा है उसमें और फिर वो एकदम से डाउन चला गया तो आपकी गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, और फिर अगर आप ब्रेक लगाओ उसको तो ब्रेक नहीं लग पाएगा आप गाड़ी के। वैसे तो ख़ास तौर पर जो गाड़ी हम चलाते हैं तो प्रेशर कम होने के कारण आगे की तरफ गाड़ी जाती नहीं है, चलती नहीं है। और रिवर्स की बात रही तो रिवर्स में भी हमें फुल जो है प्रेशर चाहिए, 1 से 10 हो या 1 से 12 हो, ठीक है, 6 से ऊपर होना चाहिए, 6 से ऊपर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 तक नहीं चलेगा। तो ये कुछ जानकारी थी आज की इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।